अभी सुन लिए ना, क्रिस बसंत बाड़ी, ठीक है। आप तुम बताओ मैया, तुम्हारा शुभ नाम? मेरा नाम क्रिस कल्याणी डुम। सुन लिया ना, क्रिस कल्याणी डुमडुम। मेरा नाम क्रिस सन्नी गुड़िया है। सुन लिए, क्रिस सन्नी गुड़िया। मेरा नाम क्रिस दिव्या रानी मीन है। सुन लिए, दिव्या रानी मीन। मेरा नाम क्रिस निशान डांग। क्रिस निशान डांग। और नाम मैं पहले जो पूछा बीच से, अब यही लोग से सवाल करूंगा। और इधर से नाम पूछा तो इधर से अधिपाड़ी है। बाबू बसंत, तुम यहाँ काहे के लिए खड़ा है? क्रिस सुबिला कुजूर के साथ ना। काहे के लिए तुम खड़ा हुई, इसको बताओ। लोटा पानी के लिए खड़े हैं। इसके साथ लोटा पानी। क्रिस बसंत बड़ी के साथ। ठीक है, क्रिस बसंत बड़ी और क्रिस सुबिला कुजूर का लोटा पानी का ठीक है, धन्यवाद। क्रिस सोबिला कुजूर और क्रिस बसंत बड़ी के लोटा पानी के गवाह के लिए। ठीक है, धन्यवाद। तो हम लोगों ने सब कुछ सुन लिया कि सोबिला कुजूर और बसंत बड़ी का जो पवित्र मंगनी लोटा पानी का कार्यक्रम होगा, उसके दाएं बाएं दो युवक जो देख रहे हैं, लोग का लोटा पानी के गवाह के रूप में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हम लोग हैं तो उधर को बुलाइए, चाहे मामी चाहे मौसी को। तीन कदम आप लोग बढ़िए, बस इधर से आप लोग को भी लोटा का पानी को देना है तो थोड़ा करके चलिए, अपने सामने वाला को दीजिए। चलिए आप अपना लोटा पानी को तीन बार वैसे जैसे शुरू में मैं जो बताया, थोड़ा थोड़ा कदम को बढ़ाइए, तीन बार प्रदान प्रदान कीजिए। बस अब लोग पीछे हो जाए। जमा छै कि नै?
हाँ तो ये लोग अपना आदान प्रदान हो गया। अब इस लोटा का जल को जो प्यासे हैं वो लोग आकर के उतारेंगे भाई। बड़ी नहीं छोटे चाहिए। चलो पहले तुम कहना। चलो बाबा तुम कहना। चलो तुम लोग भी आपस में खाना पानी हो दोनों साइड वाला। हाँ चलो अब हाथ मिला सब अपना अपना। कृष्ण बसंत बड़ी और कृष्ण शोभिला हुजूर का पवित्र वचन दत्त में आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग पवित्र वचन दत्त का काम प्रारंभ करें। इससे पहले हम व्यक्तिगत प्रार्थना अपने अपने जगहों पर हम करेंगे। और एक अंतिम सवाल है कि आप दोनों क्यों यहाँ पर खड़े हैं? आप जवाब। आप तैयार हैं सोहिला कुजूर? ठीक, तो हम सबों ने इन दोनों की सहमति को हमने सुना है कि ये दोनों पवित्र वचन दत्त के निमित्त ये दोनों उपस्थित हैं। तो आइए हम लोग पवित्र वचन दत्त का पवित्र काम को हम सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और आत्मा के नाम से आरंभ करेंगे। हम लोग विवाह के गीत में से गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 279 ईश्वर दया सागर दया को हम पर आज हमारी विनती सुन ले कर। हे ईश्वर देख लीजिए। वसंत बड़ी आपके सामने जो खड़ी है क्या क्रिस सोहिला कुजूर ही है? और क्रिस सोहिला कुजूर आपके सामने जो खड़े हैं वो जवान क्या क्रिस वसंत बड़िंग ही है? बड़िंग ही है। जिला में मिले थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और आप लोग पहले भी मिल चुके हैं इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को
अच्छी तरह देखे हैं और समझते भी हैं, और कुछ समय अभी बाकी है उसमें आप दोनों पूरी तरह आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और विवाह के लिए आप दोनों शारीरिक आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से तैयारी करेंगे। इस घड़ी आप दोनों विवाह के लिए एक दूसरे को वचन देंगे। अपना अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए। सबसे पहले वसंत, मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे, उसके बाद शोभिला, तेरे चेयरमैन के द्वारा आप उनके पीछे पीछे बोलेंगे। अब मैं सर्वशक्तिमान एक ईश्वर और मंडली के सामने तुझसे है ख्रिस्त वसंत बडिंग पूछती हूँ, क्या तू इस ख्रिस्त शोभिला कुजूर जो तेरे सामने खड़ी है अपने मन की इच्छा प्रसन्नता से विवाह का वचन देता है? यदि ऐसा है तो बोलिए हाँ मैं विवाह का वचन देता हूँ। हे ख्रिस्त शोभिला कुजूर, मैं तुझसे पूछती हूँ क्या ख्रिस्त वसंत बडिंग को जो तेरे पास खड़े हैं अपने मन की इच्छा और प्रसन्नता से विवाह का वचन देती है? यदि ऐसा है तो बोलिए हाँ मैं विवाह का वचन देती हूँ। तो वचन तुम दोनों ने अभी पारस पर दिया है उसी को मैं इस मंडली का पुरोहित होकर बिठाती हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अब तुम दोनों अपने मन को खोलकर और उन्हें टेक कर मेरे साथ यह प्रार्थना। अब तुम दोनों अपने मन को खोलकर और घुटने टेक कर मेरे साथ यह प्रार्थना करो। हे सर्वशक्तिमान सर्ववासी पिता, हम तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी भलाई के लिए विवाह का पवित्र नियम स्थापित किया है। अब हम तेरी विनती करते हैं कि तू हम दोनों के संग जिन्होंने विवाह का परस्पर वचन दिया है सर्वदारा, जिससे हम दोनों तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार सुचाल से चलें, हमारे मन में निर्मल प्रेम उत्पन्न कर दृढ़ा और बुरे कामों से हम दोनों को बचा रख कि हम ठीक रीति से चलें और विवाह के समय तक परस्पर निर्दोषी बने रहें। इसमें दया से हमारी सहायता कर, आमीन। हम लोग आराधना का अंतिम गीत गाएंगे और इस गीत में हम लोग वचन दत्त धन्यवाद दुल्हा दुल्हन के साथ उनके अभिभावक और इष्ट कुटुंब भाई बहन हम लोग चढ़ाएंगे, टोकरी घुमाया जाएगा। साक्षी वाणी गीत नंबर 285, क्या मनोहर भली बात। हम लोग सभी को खड़े हो जाएंगे और सभी बातों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वोपत्ति सामर्थ्य यहोवा यिरे पिता परमेश्वर, थोड़ा हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरी उपस्थिति में इन दोनों जवान और युवती का पात्र वचन दत्त का काम को हम तेरी उपस्थिति में तेरे काश सहायता में हम संपन्न करने को पाए हैं। ये दोनों विवाह के अस्पात्र बंधन के उस बंधन में पहुंचने तक पिता परमेश्वर जब तक ये विवाह के बंधन में ना बांधे जाएं
उस वचन में ये खरे उतर निभाएंगे। आज विवाह के पात्र बंधन में बांधे जाकर पिता परमेश्वर एक दूसरे का सच्चा और अच्छा जीवन साथी बनकर पिता परमेश्वर एक दूसरे का पति धर्मपति और पत्नी हो होने का हक और अधिकार प्राप्त करते हुए एक नए परिवार का निर्माण करते हुए तेरी महिमा करने पाएंगे। तूने तेरे ख्रिस्त स्वासी भाई बहन अपने मुट्ठी को खोले हैं पिता परमेश्वर, तो हरेक के खत और भंडार को देखने वाला है और हरेक के खत और भंडार में दृश्य और अदृश्य दानों से को उससे परिपूर्ण करने वाला पिता परमेश्वर होकर तो आपके पिता परमेश्वर हरेक के दिए हुए दान को साहस ग्रहण कर और दान देने के द्वारा तेरे ख्रिस्त स्वासियों के भंडार में खत्ता में जो घटी हुई है जो क्षति हुई है उस उन सारी क्षति को पूर्ति करने वाला सभी दानों का दाता पिता परमेश्वर होकर हरे ख्रिस्ट स्वासियों के खतर भंडार को अपने ईश्वर के आशीष से परिपूर्ण कर प्रार्थना के साथ पुनः हम सभी तेरे हाथों में समर्पित किए जाते हैं और इस घड़ी हमेशा हरेक के गुणों को हम तेरे चरणों में कबूल करते ये प्रार्थना तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के पाक और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। तो सुन आज शैल राज में ग्रहण कर आमीन। सारी मंडली परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। और एक काम है जो लोटा पानी हुआ उसी समय है। चलिए बाएं हाथ में चलिए एक दूसरे को बधाई दीजिए। आप लोग बधाई बोलिए जोर से।